दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे सुधीर ऑनलाइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। जितने भी कैंडिडेट 10th पास है, इसके साथ साथ ITI 50% मार्क्स के साथ किए हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। ये 2026 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार फॉर्म को अप्लाई करना है, जिससे कि आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई मिस्टेक ना होगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। इसका मैं लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भेज दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आ जाने के बाद देखेंगे इसका जो है कि सारा डिटेल यहां बताया जा रहा है। देखें यहां इसका इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो इसका स्टार्टिंग डेट जो रखा गया है वो 10 जनवरी 2023, यानी कि आज से ही स्टार्ट डेट है। और इसका लास्ट डेट रखा गया 10 फरवरी 2023 तक इसका लास्ट डेट रखा गया। इसमें एज लिमिट की बात करेंगे तो इसका मिनिमम एज रखा गया है वो है 15 ईयर्स, यानी कि 10 फरवरी 2023 से आपको 15 ईयर्स हो जाना चाहिए। और इसका मैक्सिमम एज रखा गया है, यानी कि 24 ईयर्स इसका मैक्सिमम एज जो कि बताया जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ UR कैटेगरी जो कि है, कुछ कैटेगरी है UR एंड रिजर्वेड OBC EWS का जो कि यहाँ 100 रुपया पे करना पड़ेगा, और अदर कास्ट को और फीमेल को यहाँ पेमेंट नहीं लग रहा है दोस्तों। और अब आपको नीचे देखिए यहाँ पूर्ण इसका जो कि कितना जो कि है वो 2026 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो यहाँ बताया जा रहा है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए यहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई लिंक का जो सामने आपको क्लिक हेयर का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद देखिए आपका कुछ प्रोसेस लगेगा। अगर आप मोबाइल से आवेदन करेंगे तो ऊपर राइट साइड में 3 डॉट का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक जाएंगे। और डेस्कटॉप साइड में कर लेनी है, इससे आपको अच्छा सुविधा मिलेगी। देखिए सबसे पहले आपको देखिए रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, तो ऊपर देखिए यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ देखिए आपका फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए यहाँ कैंडिडेट्स नेम, आपको यहाँ आपका मैट्रिकुलेशन का जो भी डिटेल डालेंगे वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालना है। उसके बाद आपको जेंडर को सेलेक्ट करना है, अब मेल है फीमेल है। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, वो डेट ऑफ बर्थ को आपको चूज कर लेना है। देखिए यहाँ कैलेंडर के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ बताया जा रहा है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस कैलेंडर के अनुसार इसे भी आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ एज जो जो कि आपको मेंशन रहेगा। उसके बाद आपका कैटेगरी आ जाता है, जो भी आप कैटेगरी है SC ST आपको यहाँ से चूज कर लेना है। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ डिसेबिलिटी स्टेटस, अगर आप विकलांग है तो सिंपली यस और नो में भी इसे भी आपको जवाब देना है। उसके बाद आता है एक सर्विसमैन स्टेटस, अगर आप किसी प्रकार का किसी में इम्प्लॉय हैं, किसी में चीज़ में काम कर रहे हैं सरकारी से, तो सिंपली यस या नो में इसे भी आपको जवाब देना है। उसके बाद आता है आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, तो सिंपली आपको यहाँ ईमेल आईडी को लिख देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, और यहाँ मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसी पर पासवर्ड आपका जनरेट होगा और जो यूजर आईडी होगा उस पर आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका बोर्ड, यानी कि बोर्ड पर क्लिक करेंगे, आपको जिस बोर्ड से आप 10th पास किए हैं सिंपली आपको उस बोर्ड को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उस बोर्ड को चूज कर लेने के बाद आपको यहाँ आ जाता है ईयर ऑफ पासिंग, आप 10th क्लास कब पास किए हैं सिंपली आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वां का यहाँ रोल नंबर आपको लिख देना है, जो कि सर्टिफिकेट एवं एडमिट कार्ड पर आपको होगा। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड को फिलअप करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे दोस्तों, और यहाँ कंफर्म पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड आपको डालना। पासवर्ड बना लेना है आपको किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका नाम है राजू, तो सिंपली इस प्रकार लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल रा, अब उसके बाद रजू, और फिर एट द रेट करके 1 2 3 आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नंबर दे सकते हैं। तो आपको इस प्रकार पासवर्ड को बना लेना। पासवर्ड लिख देने के बाद जो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो कि एक कैप्चा आपको दिख रहा है, तो सिंपली इस बॉक्स में आपको इस कैप्चा को फिलअप करना है, और सारा डिटेल डालने के बाद आपको जो रजिस्टर का जो आपको ऑप्शन में रहा सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पेज पर आ जानी है, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और जिस भी माध्यम से आप लॉगिन होना चाहते हैं, एक है देखिए एक है पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर भी आप लॉगिन हो सकते हैं, दूसरा है ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ भी डालकर आप लॉगिन हो सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए कि आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन, तो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ईमेल आईडी लिखना है, जो भी आपका ईमेल आईडी था वो ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड को लिखेंगे। पासवर्ड लिख देने के बाद जो आपका यहाँ देखें नीचे में आएंगे तो यहाँ जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन बॉक्स में आपको फिलअप करना है। ये सारा डिटेल डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है।
यहाँ दोस्तों आप लॉगिन हो जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस दिखता है। तो आपको सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको आइडेंटिटी कार्ड को देना है। क्या आप आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करेंगे। आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, जो भी आपके पास है सिंपली आपको उसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ उसका आपको नंबर लिख देनी है, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपने दिया है उसका नंबर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ये जो डिटेल दिया हुआ है कुछ आपका रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने दिया था वो है। इसके बाद आपका यहाँ स्कूल का नाम लिख देना है दोस्तों, जो भी आप टेंथ पास किए हैं उस स्कूल का जो भी आपका नाम है और नाम को आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपको यहाँ मैक्सिमम मार्क्स है एक है तो आप 10 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों वो जो आपने टेंथ पास किए हैं उसमें, अगर आपका 500 का एग्ज़ाम हुआ था 500 नंबर का तो सिंपली मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। और 500 में मान लीजिए कि आपको 200 250 जितना भी आया नंबर सिंपली आपको ऑप्टेन में लिख देना है। उसके बाद आपको परसेंटेज यहाँ फिलअप हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई अंडर यूनिट, अब किस क्षेत्र के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक है अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाता है यहाँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि आईटीआई का आपको यहाँ से देनी है। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, आप आईटीआई किस ट्रेड से किए हैं इससे भी आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है अप्लाइंग फॉर ट्रेड, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ भी टेक्निकल ही जिस पोस्ट के लिए आधी कोर्स आप अपने चूज करेंगे सिंपली इससे भी उसी कोर्स को आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ आ जाता है ईयर ऑफ पासिंग आईटीआई, आप आईटीआई कब पास किए हैं सिंपली आपको इसे लिख देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ लिखेंगे दोस्तों, जो भी आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट का नंबर है सिंपली आपको यहाँ दर्शा देनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू, आपका इशू कब हुआ सर्टिफिकेट, सिंपली इसे कैलेंडर के अनुसार आपको बताना है कि जो आपका आईटीआई जो है कि कब फाइनल हुआ वो सर्टिफिकेट पर आपको मेंशन रहेगा। सिंपली आपको इसे भी कैलेंडर के अनुसार इसे भी आपको लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपका कितना मार्क्स का जो आईटीआई का एग्ज़ाम हुआ था और कितना मार्क्स का होता है सिंपली इसे भी लिखना है। ऑप्टेन मार्क्स आपका कितना मार्क्स आया वो ऑप्टेन में लिखेंगे। उसके बाद परसेंटेज यहाँ भी आपको आ जाएगा। उसके बाद आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आईटीआई किस कॉलेज से किए हैं उस कॉलेज का यहाँ नाम आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ एवरेज परसेंटेज आपको यहाँ भी परसेंटेज ये आ जाएगी अप्रूव के। ये सारा डिटेल डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ देखिए आ जाता है दोस्तों आपको एड्रेस, यहाँ कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस आपका आ जाता है दोस्तों। तो जो आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ से फिलअप करना है। तो यहाँ यानी कि हाउस नंबर, अगर आपका हाउस नंबर है तो सिंपली यहाँ लिख देना है, नहीं है तो ना पर क्लिक करेंगे, यानी कि एन ए नो लिख देने हैं आपको सिंपली। उसके बाद विलेज को आपको लिखेंगे, जो भी आपका विलेज है वो विलेज नेम लिखेंगे। उसके बाद सिटी यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है और डिस्ट्रिक्ट को आपको लिख देना है। उसके बाद स्टेट आ जाता है, जिस किस स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आपका क्या स्टेट है सिंपली आपको उस स्टेट को आपको चूज कर लेना है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जिस स्टेट से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है पिन कोड, आपका एरिया का जो भी पिन कोड है सिंपली आपको इसे लिख देनी है। ये दोस्तों कोरोस्पोंडेंस एड्रेस था, जो कि कोरोस्पोंडेंस एड्रेस डाल देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। देखिए दोस्तों यहाँ आ जाता है परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका दोनों सेम सेम है तो सिंपली इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। अगर दोनों सेम सेम नहीं है तो सिंपली इसे भी आपको लिखना है, जो भी आपका अलग एड्रेस है अलग एड्रेस इसे भी आपको लिख देनी है। ये सारा डिटेल फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को आपको यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आपको इसे भी अपलोड करना है। देखिए फोटो का साइज जो कि रखा गया है वो है मैक्सिमम 70 और मिनिमम यानी कि 20 KB से, यानी कि 70 से 20 KB के बीच में आपका फोटो का साइज होना चाहिए। इसका JPG फॉर्मेट भी होना चाहिए दोस्तों। अगर फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करने में अगर आपका प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैं लिंक दे दिया हूँ, उस वीडियो को देख कर आप मोबाइल से भी रिसाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये फोटो अपलोड करने के बाद सेकेंड है यहाँ सिग्नेचर, सिग्नेचर का साइज जो कि रखा गया है यहाँ देखिए 30 KB से 20 KB के बीच आपका सिग्नेचर का भी साइज है। तो सिंपली आप उस वीडियो को देखकर इसे भी आप रिसर्च कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं फोटो को अपलोड करके मैं बताता हूँ आपको। अपलोड करने के लिए दोस्तों चूज फाइल का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सिंपली इस पर क्लिक करके आप जहाँ भी फोटो रखें वहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। देखिए दोस्तों मैं फोटो और सिग्नेचर दोनों को अपलोड कर दिया हूँ, तो आपको भी इसी प्रकार आपको फोटो भी अपलोड और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। ये सारा डिटेल डाल देने के बाद ये आपको जो डिक्लेरेशन का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको इसे क्लिक कर देना है। और सेव एज कंटिन्यू का जो आपको ऑप्शन आ रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद दोस्तों आपको प्रीव्यू का जो आपको ऑप्शन मिलेगा उस प्रीव्यू में आपको सारा डिटेल को चेक कर लेना है। अगर आपको पास पेमेंट आपको पेमेंट लगेगा तो आपको पेमेंट कर देनी है। उसके बाद डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाएंगे जो कि प्रिंट पर। मैं डिटेल जो कि प्रीव्यू का छुपा दिया हूँ दोस्तों, क्योंकि कोई भी अपना डिटेल किसी को पूरा डिटेल नहीं दिखा सकता है। तो आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे, पेमेंट लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आ जाने के बाद आपको यहाँ से प्रिंट को आपको जो प्रिंट फॉर्म का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और आपको फाइनल प्रिंट आउट ले लेनी है। तो आपको इस प्रकार नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म को अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से फाइनल प्रिंट तो बता दिया हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। एक बार और दोस्तों, मुझसे वीडियो बनाने में जो भी कमियां होती है उस कमियां को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपने वीडियो में सुधार ला सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।